लक्ष्य अच्छे मुझे डॉक्टर है कंधमाल बहुत पहाड़िया अंचल रोगी मान पाखे डाक्तर पहुँची पार ना तेणु मो स्कूल मोर से लक्ष्य मत पहुँचाइब समुद्र देशर सर्वभूमित रक्षा करने मुझे जो कोस्ट गार्ड अफिसर होगा चाहूँगी और आम स्कूल परिवेश मो लक्ष्य को निश्चय पहुँची दू मो नाम प्रेरणा पट्टनायक मुझे जो आकाश में उड़ाजहाज देखे मत भी दिने दिन उड़ाजहाज उड़े पायलट होगा इच्छा एवं आम सीएम नवीन सर जहाँ व्यवस्था देखते आम विद्यालय मोर दृढ़ विश्वास मुझे दिने दिन एक पायलट होगी आईएसआई लोक बेस सरकारी सेवा जगेदे हूँ मोर स्वप्न आम स्कूल नवीन सर जहाँ करश्चय मत मोर स्वप्न पाखे पहुँचेदेव थैंक यू नवीन सर चाहे मो राज्य पिला माने सबु क्षेत्र रे आगुआ हंतु पाठ स्पोर्ट्स म्यूजिक सोशल सर्विस सबु क्षेत्र रे ओडिसा रो गौरव बढ़ातु पूर्वर ए स्कूल एभली उन्नति हो नाला किंतु वर्तमान सरकार एत सुविधा करे जहाद्वारा स्कूल सर्वांगीन उन्नति हो आम आशा कर नु गोटे ट्राइबल एरिया एवं रूराल एरिया भितर सरकार तरफ गोटे ये विद्यालय खोल जितेबाला स्कूल स्मार्ट स्कूल ना से आम बहुत हईराण में पाठ पढ़ु स्मार्ट स्कूल होगा फल आम ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम आम पाठ अति सहजे बुझीपार टीचर कहते एमती जगार ये सब जिन अच्छी केवल इमाजिन करूँ एवं ताहा भर्चुअल माध्यम देखिपु आम स्मार्ट बोर्ड व्हाइट स्क्रीन द्वारा पढ़ी पार्चु जैसे कि गोटे प्रत्यक्ष गान आम पाखे पहुँची पार्चे बर्तमान इ लाइब्रेरी होगा फल से गुड़क आम अनल कंप्यूटर मध्यम पढ़ाक पाइपु और देश विदेश विभिन्न तथ्य गुड़ी आम कंप्यूटर मध्यम जापरचु लैब्रे प्राक्टिकाल द्वारा मुझे विभिन्न प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एपर डॉक्यूमेंट विषय में जापार आम कंप्यूटर व्यवहार करने द्वारा आम कार्य सहज एवं कम समय हो पार जो दिन आम विद्यालय में मॉडर्न साइंस लैबोरेटरी होती प्रत्येक पिला आमे जहाँ स्मार्ट क्लास रे पढ़ुचु एहा को आमे साइंस लैबोरेटरी रे पढ़ी आमे बुझी पारी थाउ एवं एहा आमको एक वैज्ञानिक हबारे मध्ये सहाय्य करिवो किंतु एबे सु नुआ नुआ जिनस आसी नुआ माइक्रोस्कोप नुआ हमरो स्लाइड व्यूअर तापरे विभिन्न प्रकार सब लेंसेस विभिन्न जिन सब नुआ नुआ आसी बर्तमान स्कूल रे साइंस लैब हो आम निजे एक्सपेरिमेंट कर पार्छू बुझी पार्छू एवं अति सहज मन रखी पार्छू मोर आगुरी इच्छा थी जो मु बड़ हो गोटे भल खेला यही स्वप्न मोर ए साकार हाक जा
ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ଆରୋ ଲାଗିଲା, ଆମର ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଲାମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ। ସ୍କୁଲର ବିଜୁଳି ବାବଦକୁ ସରକାର ବିଲ୍ ଭରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଚିରଋଣୀ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଛି, ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର 5T ସଚିବକୁ ମୁଁ ହୃଦୟତାର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବା। ଫାଇଭ୍ ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 73 ସ୍କୁଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ରୂପାନ୍ତର। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲର ଜମିପଟ୍ଟା, ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଡେଣା ଦେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।